सही है ना, ठंडी भी है। चल दीजिए ना। सुनो, आप लोगों का डिनर रेडी कर दिया है? हाँ तो हम भी तैयार ही बैठे हैं। वैसे क्या है, क्या मेन्यू में आज? बैंगन चिली, करेला खास और तोरई लबाबदार। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बनाया यार मम्मी? त्योहार है बेटा, हमारा भी तो है, तो मनाओ, किसने रोका है। 11 बज जाएंगे मुझे सत्संग से वापस आते आते, तुम लोग खाना खा लेना। people eat बैंगन मैन। आपको पता है पिंटू के घर पे 5 किलो बिरयानी आई है, वो भी करीम से। कूल है उसके मम्मी पापा। अरे रेस्टोरेंट में बिरयानी का पुलाव मिलता, मेरे को चलेगा? नहीं बेटा ऐसे कैसे चलेगा, तुझे असली बिरयानी तेरा बाप खिलाएगा। मैं बैंगन ही खा लेता हूँ। बैंगन खाए तेरे दुश्मन यार। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं ले रहा हूँ टेंशन। अरे मैं पिंटू का खा लूँगा ना। चल ना। अरे मैं ऑर्डर कर लूँगा। अरे चल तो सही, मैं पिज्जा ऑर्डर कर दूँगा। हो चल आजा। तो आप लास्ट टाइम किचन कब आए थे? आज सुबह ही आया था। ये खाने के बाद प्लेट रखने नहीं, तो खाना पकाने कब आए थे? एक्चुअली ऑर्डर कर ले। अबे क्या ऑर्डर कर ले, ऑर्डर कर ले, बाप पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं है भरोसा है। तो चल उसी भरोसे पे धनिया और प्याज काट दे फटाफट। चल बेटा जरा नींबू दही निकालना। क्या फेस पैक बनाना है क्या? बस यही समझ ले, चिकन का फेशियल करना है। तेरी ये क्या था? तेरा प्याज हो गया? चल कर जल्दी। ये क्या लस्सी बना रहे हो यार पापा? मम्मी नहीं बनाती है ऐसे। अबे यार तेरी मम्मी की स्पेशलिटी है शाकाहार, फूल पत्ती पेड़ पौधे, और हमारी मांसाहार। तुझे क्या खाना है ये बता। मांसाहार बस। अरे मेरे शिंटू, बड़े दिनों बाद याद आई मासी की, कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? हाँ यार मासी, आप कैसे हो? मैं एकदम वैसी, कूल एंड हैपनिंग। अच्छा मासी एक बात बताओ, ये बिरयानी में दही पड़ता है क्या? हाँ भैया प्रताप, क्या हालचाल? एकदम टनाटन भैया जी, बड़े अरसे बाद कॉल किए। हाँ कर लिया फ़ोन ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ यार, अबे बिरयानी में चिकन करीब करीब कितना गला के छोड़ें चावल में? दही तो बेटा रायता में पड़ता है। वही तो, चिकन में दही डाल दिया उन्होंने। कौन बना रहा है? अरे पापा बना रहे हैं यार। आप बिरयानी बना रहे हो? क्यों भाभी जी घर छोड़ कर चली गई? अबे गांडू बेटा, एक बार उन्होंने अपनी पेट्रोल गाड़ी में ना डीजल डाल दिया था, तू ना अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवा ले, सुखी रहेगा। साले जितना पूछ रहे उतना जवाब दो वरना हम फोन काट देंगे, बता रहे हैं। अरे माने 10-12 मिनट चिकन को भूनकर चावल के साथ चढ़ा दीजिए। चूतिया तो नहीं बना रहे हो साले, इज्जत का सवाल है। अरे नहीं भैया जी, हमारी क्या मजाल कि हम आपको चूतिया बनाए। चलो ठीक है, थैंक यू। मेंशन नोट भैया जी। हाँ हाँ ठीक है, बंद करो। अरे मैरिनेट होने में टाइम लगता है। पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया था, तेरी मासी ने बताया तुझे? हाँ, और उन्होंने ये भी बोला कि नहीं पड़ता है चिकन में दही। अबे यार किसके चक्कर में पड़ गया तू? तेरी मासी ने पानी भी उबाला आज तक, मैंने कंफर्म कर लिया है तेरे बड़ौदा वाले चाचू से। ऑल इज गुड यार। ये बड़ौदा वाले चाचू कौन है? अबे वही जिनका रेस्टोरेंट है, चलता है ना उनका रेस्टोरेंट। तू भी वाह, अब बस 4 बूंद केवड़ा पड़ जाए तो फक इज केवड़ा मैन। बस यही प्रॉब्लम है तेरी जनरेशन की, समझते हैं नहीं बात को, समझाते हैं बाप को। चल आटा गूंथ। आटा? हाँ आटा। हाँ एक तो दही डाल दिया, फकिंग केवड़ा भी हो गया, बियर भी डाली दो ना, आइडिया बुरा नहीं है। बेकार की बजट, अच्छा खासा करीम से मंगा लेते। अरे यार ये क्या रट लगा रखी है, तेरा बाप मैं हूँ या करीम? बाप तो आप ही हो। हाँ तो आटा गूंथ ना चुपचाप। भाई शांति कहाँ रह गया? चिकन कहाँ है? है सब है। अरे कुमकुम ही ले जाना भूल गई थी। यहीं कहीं होगा। अंजू जी आपका सत्संग खत। पापा का आइडिया था मम्मी, मेरे तो बैंगन और करेला जस्ट फाइन। और कितनी देर लगेगी? बस प्रीतम जी, अब भी आपके हाथों में बस वही जादू है। बाबा मेरे को गाम माली कर दिया। मैं प्लेटें लेके आता हूँ। सुनो, हैप्पी छोटी दिवाली आपको भी चाहिए।